ओमास और रिडल के बीच मंडे नाइट रो में बहुत बड़ा मैच हुआ और मैच के बाद सेथ रोलिंस भी आ गए। आप देख रहे हैं रेसलिंग इन द मेनिया, यहाँ आपको WWE की हर खबर मिलती है। मंडे नाइट रो में रिडल और ओमास के बीच मैच हुआ, वो भी मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच। मैच की शुरुआत से ही ओमास रिडल पर हावी हो गए और रिडल को पेट में चोट लगी थी, इसी बात का फायदा ओमास उठाने लग रहे थे। ओमास अपनी पूरी ताकत दिखा रहे थे और रिडल को उठा उठा कर फेंकने लग रहे थे। रिडल को चोट भी लगी हुई थी और इसी वजह से रिडल इस मैच में ओमास के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। और मैच के अंत में ओमास ने रिडल को एक जबरदस्त स्लैम लगा दिया और रिडल को हरा दिया। इस तरह ओमास ने मनी इन द बैंक मैच में क्वालिफाई कर लिया। और मैच खत्म होने के बाद वहां पर सेथ रोलिंस आ गए और सेथ रोलिंस ने भी रिडल को उठाकर रिंग से नीचे फेंक दिया। WWE की हर खबर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले।